दोस्तों आप सभी का एक बार हमारे फिर से चैनल में स्वागत है, भगा भाग न्यूज चैनल में। मैं राजकुमार उर्फ परदेसी बाबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का एशिया कप का आज दूसरा मैच है, जैसे लाइव स्ट्रीम होने वाला कुछ देर बाद। आज हमारे ऐसे गांव में आ गया हूं जहां पे दो भारत और पाकिस्तान के समर्थक वहां पे मौजूद हैं। चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। सर नमस्कार, क्या हाल चाल आपके? मेरा नाम ठीक है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे 2 मिनट। सर आपका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान का मैच है जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आज पाकिस्तान भारत की धज्जियां उड़ाएगा, धज्जियां उड़ाएगा, बने रहिएगा इस चैनल पे। अब हम अपने तीसरे दर्शक बात। सर आपका क्या नाम है? आप इन दोनों से बात करने आए तो मैं इससे बात क्यों कर ले हो? सर जैसे आपका नाम है ठीक है, ठीक है तो ठीक ही है, और भारत पाकिस्तान का मैच है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारत जीता है तो जीता है, नहीं टीवी फूटेगा। आज पाकिस्तान जीत गया ना तो मार। तो अशरफ अली जी, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज इंडिया जीतेगा तो जीतेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान क्या करेगा आज? अगर आज पाकिस्तान नहीं जीता ना तो पिछली बार की भी नहीं, इस बार रोड फटेगा, रोड रोड फटेगा। इस बार जीतना होगा पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान नहीं जीता ना तो साले बोतल फोड़ूंगा बोतले, आज इस बार साले रोड पे बोतले फोड़ के बिजली बनाऊंगा साले को। पानी लाओ भाई इनके लिए, सर के लिए, अशरफ अली के लिए पानी लाओ, गदर वाला पानी लाओ। पानी नहीं चाहिए, जब तक हमारा पाकिस्तान नहीं जीता ना पानी नहीं चाहिए मुझे। आज जीत चाहिए मुझे, जीत। सर जैसा ये गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, एक बोतल फोड़ रहे हैं, दूसरा बोतल फोड़ के बिरयानी बना रहे रोड की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आपको समझ में नहीं आया था, भगाया था, फिर आ गए। तो मैं एक बार फिर से आता हूँ अपने भारत के समर्थक ठीक है के पास। ठीक है जी, ठीक है जी, जैसा कि आपने सुना रोड पे आज बिरयानी बनेगा बोतलें फोड़ के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सारा बोतल फोड़ेगा तो हम टीवी फोड़ेंगे, आज बुलडोजर चलेगा टीवी पर। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर चलेगा मतलब इंडिया जीतेगा? हाँ जीतेगा, इंडिया तो इंडिया है, इंडिया देह में बचे। सर जैसा कि आज बुलडोजर चलने की संभावना है, इंडिया जीतेगा, पिछले बार हार्दिक ने जिताया था आपको पता ही होगा, तो आप बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? शाहीन अफरीदी भाग गया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी इस बार हमारे गेंदबाज जो है ना सबके पूर्व तरीके से पिछला वीडियो देख करके कि पिछले मैच में क्या हमारे बैटमैन से गड़बड़ी किया था, क्या हमारे फील्डर ने गड़बड़ी किया था, क्या हमारे कोच ने गड़बड़ी किया था, वो सबको ध्यान में रखते हुए हमको आज अपने टीम को, अपने कोच को, अपने सबको बताना पड़ेगा कि हमारी टीम आज जीतनी चाहिए। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान हार गई तो एशिया कप से बाहर, पिछली बार भारत को हराया था, लेकिन इस बार फिर सोचता हूँ मैं कि फिर से भारत का हराए और एशिया कप अपने नाम लेके आए। हम उम्मीद करते हैं इस बार बोरिया बिस्तर ना बने, नहीं मारो मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो ऐसा मत बोलिएगा आप लोग, बहुत ये बोलते हैं मारो मुझे मारो। काम डाउन काम डाउन। मैं अपने तीसरे दर्शक पास, ना ये हिंदू है, ना पाकिस्तानी है, ना इंडियन है, कुछ है, ये बीच में है। सर आपका नाम क्या है बताइए अभी? नाम बता दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास फिर रिपोर्टर नहीं रहता था। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे सुना इतनी गर्मा गर्मी कि बुलडोजर तीना पाँचा, पाकिस्तान वाले कुछ, इंडिया वाले कुछ बोल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस कुछ नहीं बोलेंगे, जीतेगा भाई ये दोनों लोग का इतना तगड़ा मुकाबला होगा कि चाहे जो जीत सकता है, जिसके ऊपर अच्छा फील्डिंग होगा वही जीतेगा। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मत आ रहा रिपोर्टर करके, निकल। अरे सर रहने दी, सर रहने दी, सर सर गुस्सा है। तो सर जैसा आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं ये बीच वालों की बात कि निकल, सॉरी मतलब ये बीच वाले की बात आप सुन रहे हैं कि जैसा है बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा जीतेगा जीतेगा, पर अशरफ अली की बातों से ऐसा लगता है कि आज तो पाकिस्तान पूरा मन बना के आया है। अगर आज इंडिया नहीं जीती को आज हम लोग लट गए, लट लट लट। तो चल सर जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा लट गड़ेगा, आप क्या लगा? हम बोतले डालेंगे, बोतले बोतले डालेंगे, बोतले। अरे सर शांत हो जाइए, मैं कैमरा मैन हूँ सर, सर सर शांत हो जाइए, मैं कैमरा मैन, मैं खुद डर रहा हूँ सर आपसे।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं थोड़ा ब्रेक लेके लेने चला गया था। इतने गर्मे गर्मे में ऊपर देखिए आप पसीने पसीने से तरतर हो गया हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। अशरफ अली बोतल गाड़ने को कह रहे हैं, एक लठ गाड़ने को कह रहा है, मैं डर गया, मैं पानी और चाय पीने चला गया। मैं एक बार फिर से चलता हूँ इन लोग के पास और मैं अपना आखिरी सवाल करूँगा, कुछ चंद सवाल हैं आखिर उसमें से आखिरी करूँगा। आइए तो सर, जैसा कि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पहले तो आप दर्शकों को फिर से अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, आप बताइए। इंडिया आज जीत जाएगी, आज तो इंडिया जीतेगी, आप क्या करेंगे? आज इंडिया जीतेगी तो हम सभी जाएंगे कपड़ा बटवाएंगे, कपड़ा, आज इंडिया जीतेगी। ये अपने शरीर का भी कपड़ा बटवाएंगे आज। तो चलते हैं अशरफ अली जी के पास। अशरफ अली जी, जैसे इनका कहना है कि इंडिया जीतने के बाद ये कपड़ा बदल बटवाएंगे गरीबों में, आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो बिरयानी बटवाएंगे, अब तो बिरयानी बटवाएंगे, मतलब हम भी खाएंगे। आप भी खाएंगे, इंडिया जीत रहा है इसलिए। मुर्गे वाला, मुर्गे वाला, ये मुर्गे वाला बढ़िया लेग पीस वाला। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इंडिया जीतेगी तो बकरा मिलेगी, बिरयानी मिलेगी। यस, इंडिया जीतने पे ना सर पाकिस्तान, ओ मतलब ठीक है, चलिए ठीक है। सर जैसा कि आपने अभी जो हमारे वार्तालाप हुई, कुछ नहीं और ठीक नहीं कुछ भी ऐसा नाम है, अशरफ अली जी से जो वार्तालाप हुई, एक तरफ बिरयानी का आज इन्विटेशन है, दूसरी तरफ कपड़ा मिलेगा, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे सर? मैं किसी की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जो है जो जीते ये कि मतलब एक तरफ अशरफ अली जी जो है बिरयानी बटवाने वाले हैं, दूसरे तरफ कपड़ा मिलने वाला, मतलब दोनों तरफ से फायदा आप ही का है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो दोनों एक और बिरयानी खाएंगे, एक और कपड़ा पहनेंगे, मतलब दोनों और फायदे ही फायदा। तो समझ मतलब इस तरीके से जो है आप लोगों ने अभी देखा हमारे जो दो समर्थक हैं भारत पाकिस्तान के, वो दोनों लोग कैसे गर्मा गर्मी में हैं, एक तरफ सीसले बोतल कुछ डालने की बात कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो एशिया कप का आज दूसरा मैच है, जो इंडिया भी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन आज का मैच बहुत ज़्यादा रोमांचकारी है। पाकिस्तान में कितनी टीवियाँ फूटेंगी या भारत में कपड़े बटेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं मैच के बाद। आप सभी कहीं जाइएगा मत, हमारे चैनल पर रहिएगा। कल एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, एक और न्यूज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।